हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन अकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा स्टूडेंट्स जो आपकी काउंसलिंग के लिए जो 6 स्टेप आए हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर 26 तारीख को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना होगा सभी कॉलेज की। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर दस्तावेजों को सत्यापन करवाना होगा, जो भी आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हैं एग्रीकल्चर के। उसके बाद ही में स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर कॉलेज अलॉटमेंट होगा। यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको काउंसलिंग की फीस पेड करना होगा स्टूडेंट्स, जो 550 रुपये है ऑनलाइन की। इसके बाद में स्टूडेंट्स जब आपको को कॉलेज मिल जाएगा तो उस समय स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर 5000 रुपये ऑनलाइन ही पे करना होगा, और बाकी जो पैसे हैं स्टूडेंट्स वो आपको कॉलेज में जाकर लगभग 5000 के आसपास में फिर से आपको कॉलेज में लगने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये पूरे टोटल 6 चरण हैं, इनमें आपको फॉलो करना होगा। और स्टूडेंट्स जैसे ही आप पंजीयन कराते हैं तो पंजीयन का कोई भी जो शुल्क होता है वो आपको रिफंडेबल नहीं होगा, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स में आपको PAT का जो रिजल्ट आया हुआ है उसकी आपको अंकसूची लगेगी, 10th 12th की अंकसूची लगेगी। और 12th में स्टूडेंट्स माइग्रेशन मिलता है, स्कूल से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप BA BSc यदि आपने कुछ ऑलरेडी कर रखा है तो जहाँ से आपने डिग्री ले रहे हैं स्टूडेंट्स आपको वहाँ के, ठीक है, मार्कशीट और TC लगेंगी। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद में स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र है, कसक कोटे से थे या फिर आप सैनिक कोटे से थे या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से थे तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लगेगा। गैप प्रमाण पत्र, यदि गैप किए हैं आपने 12th के बाद में 2 साल 3 साल जो भी गैप सर्टिफिकेट है, तहसील से बन जाएगा। EWS वाले EWS का सर्टिफिकेट लगेंगे, और PWD वाले स्टूडेंट्स PWD का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाएंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिंट आउट करवा के, ठीक है, 2 सेट लेके जाना होगा, 1 सेट अपने पास और 1 सेट उनके पास। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और इसकी फोटोकॉपी आपको साथ में ले जाना होगा। स्टूडेंट्स कौन कौन से आपको यहाँ पर महाविद्यालय में लेकर जाना होगा जहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टूडेंट्स आपको जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज, बासोदा, वारा, सिवनी, पावरखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा में आप करवा सकते हैं, छिंदवाड़ा में, या फिर आप अदर भी कोई भी कॉलेज में जाके करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए यदि ऐसा आपका सिलेक्शन यदि हो जाता है तो आपको यहाँ पर 5000 रुपये जमा करना होगा कॉलेज मिलने के बाद में। और अभी काउंसलिंग के समय में स्टूडेंट्स 550 रुपये आपको काउंसलिंग में लगेंगे। इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, उस हिसाब से ही आप काउंसलिंग यहाँ पर अटेंड कीजिएगा। और स्टूडेंट्स इन सभी की आपको यहाँ पर रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को संभाल के रखिएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और भी जो लेटेस्ट अपडेट है स्टूडेंट्स मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।